फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में जबरन टावर लगाने को लेकर स्थानीय लोग पहुंचे एसडीएम कार्यालय की शिकायत। शिकोहाबाद एसडीएम ने दिया थाना अध्यक्ष को आदेश, उक्त व्यक्ति के खिलाफ करें कानूनी कार्रवाई। बता दें, आज फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी में जबरन एक व्यक्ति द्वारा अपनी मकान की छत पर टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। तो वही उक्त व्यक्ति के पुत्रों ने स्थानीय लोगों को धमकी दी कि हम टावर यही लगाएंगे, जो रोकेगा उसे जान से मार देंगे। जिसकी शिकायत को लेकर मोहल्ले के स्थानीय लोग एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे। वहीं एसडीएम शिकोहाबाद को उक्त व्यक्ति के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उक्त व्यक्ति द्वारा जबरन मकान की छत पर टावर लगाया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने कई बार उससे मना किया। उस व्यक्ति के बेटों की तरफ से हम लोगों को जान से मारने की धमकी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, वहीं गंदी गंदी गालियां दी। साथ ही बताया कि टावर लगने से उसमें से निकलने वाली रेडिएशन तरंगों की वजह से आसपास में बीमारी फैलने का खतरा है। वहीं इन तरंगों की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव घर में बड़े बूढ़े व बच्चों पर पड़ेगा। वहीं एसडीएम शिकोहाबाद ने थाना अध्यक्ष को जांच कर उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आज आप आई एसडीएम साहब के पास में, क्या मामला है? सर, हम आवास विकास में रहने वाले हैं, टावर लग रहा है वहाँ पर, और हमारे बच्चे को पहले तो हार्ट में प्रॉब्लम है और उससे बहुत ज्यादा रेडिएंस से बहुत दिक्कत हो रही है सर, और जनरेटर से उसे शोर होता है और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है और हद से ज़्यादा बदतमीजी दिखा रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। उपजिलाधिकारी महोदय ने आपसे क्या आश्वासन दिया आपको? हमें बोला है कि आप अपने थाने में जाइए, वहाँ पर कहिए जाके उन्होंने अपना ऑर्डर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।